अभी अगर हम बात करें जो एचएएस अधिकारी हैं उनके तौर पर जो 19 की ट्रांसफर एक साथ हुई है और इसमें जो ज्यादा सीनियर लेवल पे नहीं है, 2006 बैच की मधु चौधरी हैं, इनको जो रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर लगाया गया है। सतीश कुमार हैं, ये एचएएस 2009 बैच के हैं, ये कृषि विश्वविद्यालय में थे, इनको लगाया गया है एडिशनल डायरेक्टर रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर में। विनय मोदी जो है इनको एडीएम पूल लगाया गया है किन्नौर में। संजीव कुमार एचएएस हैं, इनको लगाया गया है एडिशनल डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक में। हरीश गिज्जू जो शिक्षा बोर्ड में भी रह चुके हैं, इनको अब भेजा गया है एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज धर्मशाला में। राकेश कुमार शर्मा फोर ये हैं और इनको लगाया गया है एसडीएम सुजानपुर। सुरेंद्र मोहन जो कई जगह एसडीएम रह चुके हैं, इनको एसडीएम कुमारसेन लगाया गया है। विजय कुमार टू इनको लगाया गया है एसडीएम डोडरा कवार। गौरव चौधरी इनको भेजा गया है, अभी ट्रांसफर में इनके पास काफी चार्ज थे, और उसके बाद इनको एसडीएम सिविल घुमारवीं लगाया गया है। कुलदीप सिंह पटियाल जो हैं इनको एसी टू डीसी मंडी लगाया गया है, ये एचएएस 2015 बैच के हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर हैं, इनको लगाया गया है एसडीएम इंदौरा, ये नूरपुर ब्लॉक में। रमन गरसंघी इनको लगाया गया है एसडीएम पांगी, और मिस कविता ठाकुर हैं, इनको भेजा गया है एसडीएम की पोस्ट पे सोलन में। और सलीम आजम हैं, ये 2019 बैच के हैं, और इनको लगाया गया है एसडीएम धीरा, ये कांगड़ा में ही है, और इनको एसडीएम धीरा लगाया गया है। राजेश भंडारी जो हैं इनको मनाली के जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहां पे एज ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात किया गया है। मनोज कुमार थ्री इनको लगाया गया है एसडीएम बंगाणा। और राजीव कुमार जो हैं ये 2020 बैच के हैं एचएएस, और इनको जो है लगाया गया है एसी टू डीसी बिलासपुर, और बाकी जो भानुपल्ली बिलासपुर का लैंड एक्विजिशन है वहां पे भी है इनका चार्ज। योगराज जो है वो एसडीएम पहले बंगाणा में थे, इनको एसडीएम झंडूता भेजा गया है। तो ये एसडीएम के ट्रांसफर से, बाकी डीसी की मैंने आपको बता दी। तो ये 6 आईएएस मतलब 5 आईएएस और 1 आईएफएस और बाकी 19 एचएएस हैं, ये टोटल जिनकी ट्रांसफर आज हुई है। दिल्ली जाने से पहले चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किए थे और सबसे पहले हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो फंसी हुई भर्तियों को लेकर आज हम आपके साथ बात करेंगे, जो हमारे व्यूअर बड़े दिनों से मैसेज किए जा रहे थे, कुछ व्हाट्सएप पे कोई कमेंट बॉक्स में, मतलब है रुकी हुई भर्तियों से रिलेटेड। अगर कोई भर्ती ऐसी है जहां पर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नहीं आया है और वो विजिलेंस जांच में है और दूसरी विजिलेंस जांच में नहीं है, ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित मैटर है। दूसरा मामला वो है जहां पर रिजल्ट निकल गया है और अनाउंस हो गया है लेकिन नियुक्तियां नहीं हो रही। इन दोनों मामलों में हमने सरकार और विजिलेंस दोनों से बात की है, इनके कार्मिक विभाग और विजिलेंस में, और आज आपको अपडेट इससे रिलेटेड देंगे, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे फायरमैन हो, इन सारी चीजों को लेकर आपको बताएंगे। तो भर्तियों से रिलेटेड मैटर सारा है, लेकिन भर्तियों से रिलेटेड मैटर से पहले हम जो भर्तियां कौन सी रद्द नहीं होंगी इनसे बात करने से पहले एनटीटी की बात कर लेते हैं। दरअसल जो समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राजेश शर्मा, वो अभी एक दिल्ली बैठक के लिए गए थे। उस बैठक में बेसिकली सेक्रेटरी ने जाना था लेकिन इनकी ड्यूटी लग गई क्योंकि बजट सेशन चल रहा था। वहां भारत सरकार में, क्योंकि हिमाचल ने भी एनटीटी के जो एक साल का डिप्लोमा है उसको लेकर परमिशन मांगी है, केस भेजा हुआ है वहां पे, उस केस को कुछ नहीं हो रहा और वहां इंतजार भी है कि वो वहां से डिटेल या परमिशन जल्दी मिल जाए। लेकिन जब दिल्ली ये गए थे और दिल्ली जाने के बाद वहां जो बातचीत हुई उसके मुताबिक जो मिनिस्ट्री है उसमें बहुत सारे राज्यों ने इस तरह से जानकारी मांगी है एनटीटी भर्ती को लेकर, लेकिन अभी भारत सरकार ने किसी भी राज्य को कोई जानकारी नहीं दी है। मतलब इसका इंडायरेक्ट यह भी है कि एक साल के डिप्लोमा को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं है कि परमिशन मिल जाएगी, और फिलहाल राज्य सरकार अगर वहां से परमिशन नहीं मिली तो 2 साल के डिप्लोमा या 2 साल का जो कोर्स है उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा, और अगर 2 साल के हिसाब से बढ़ना होगा तो फिर राज्य सरकार को जो भाजपा सरकार के दौरान एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जैसा बनाया गया था उसको साइड में रखना होगा, और एनटीटी की भर्ती के लिए नए सिरे से जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो इस सरकार को बनाना होगा और उसी तरह से आगे बढ़ना होगा। 4,700 से ज्यादा भर्तियां एनटीटी में हिमाचल में होनी है, और अभी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो क्लियर नहीं है और उसको लेकर ही अभी इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से आगे उसमें बढ़ेंगे और किस तरह से उसमें आगे काम होगा। तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद बात करें ओल्ड पेंशन की। ओल्ड पेंशन की बात इसलिए क्योंकि फाइनेंस को लॉ डिपार्टमेंट से जो कैबिनेट का डिसीजन था उसके बाद फाइल मिल गई थी। फाइल मिलने के बाद फाइनेंस ने उसको अपने स्तर पे वेट कर लिया है, उसके बाद मुख्य सचिव को भेजा है। बीच में 3 दिन की छुट्टियों का ब्रेक था। सोमवार से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें ओल्ड पेंशन की तरफ को आगे बढ़ने का ये पहला हफ्ता होगा, और इसी हफ्ते में जो नोटिफिकेशन है वो होनी है, सोमवार से जो सप्ताह शुरू हो रहा है। और इसीलिए सोमवार के बाद जो मैं आपको रिलेट कर रहा था कि मुख्यमंत्री जब शिमला आएंगे उसके बाद ये सिस्टम शुरू होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन होगी। दूसरी तरफ एनपीएस वालों ने मुख्यमंत्री के लिए जो आभार समारोह धर्मशाला में करने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने कलेक्शन भी कर रखी है,
उसको लेकर भी शेड्यूल फाइनल हो जाएगा कि उन्होंने उसके लिए क्या करना है, किस तरह से करना है और ये कार्यक्रम कब होगा, क्योंकि उन्होंने फिर टाइम सीख करना है क्योंकि वो एसओपी और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन हमें ये भी बताएगी कि हिमाचल ओल्ड पेंशन में किस तरह से बढ़ रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ना राजस्थान को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ को कर रहे हैं। पंजाब ने तो खैर अभी किया ही कुछ नहीं है और पंजाब हिमाचल के बाद पंजाब पर भी प्रेशर पड़ेगा कि वो किस तरह से ओल्ड पेंशन को लेकर काम करते हैं। लेकिन हिमाचल में क्योंकि लोग जो किया हुआ वादा है उसको झुठलाने का, उसको भूल जाने की आदत को पसंद नहीं करते। यहां सरकार ने भी जो बात कही थी चुनाव में उसको ऑनर किया है ओल्ड पेंशन के मामले में। लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन क्या होगी, देखिए भारत सरकार की तरफ से कई तरह के ऑफर बीच में आ रहे हैं। पहले लोन का ऑफर आया था, अब जो ऑफर है वो वही है जो कमेटी बना दी गई है फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, राज्यों से भी कंसल्ट करेगी। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए हिमाचल सरकार की नोटिफिकेशन कैसे होती है, और क्योंकि ये क्लियर हो गया था, मुख्य सचिव ने हमें बताया था कि कॉर्पस हम फंड हम नहीं बना रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हिमाचल के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो एक पैसा इकट्ठा करके साइड में रखते, क्योंकि हम लोन लेके काम चलाते हैं, लोन हमें महंगा मिलता है, उस कॉर्पस फंड पे ब्याज हमें कम मिलेगा, लोन हमें ज्यादा महंगा मिलेगा, तो ये एक तरह से बेवकूफी हो जाएगी, उससे और नुकसान होगा। तो ट्रेजरी से ही ओल्ड पेंशन को भी रन करेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन को बाकी सारी चीजें कैसे रेगुलेट होंगी, 10 साल की शर्त है, उसमें कोई छूट नहीं मिल रही, जो विकल्प है वो किस तरह से होगा, खासकर 2003 से लेकर जो 2023 के बीच में रिटायर हुए हैं उनके लिए क्या चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें हिमाचल की नोटिफिकेशन में देखने वाली होंगी। और हिमाचल की नोटिफिकेशन बहुत सारे राज्यों के लिए भी एक सबक बनेगी। कर्नाटक में चुनाव शुरू हो गए हैं, हरियाणा में आ रहे हैं और राजस्थान आगे ड्यू है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हिमाचल की नोटिफिकेशन का बहुत महत्व है नेशनल स्तर पर भी, और इसीलिए ओल्ड पेंशन का हमें नोटिफिकेशन का इंतजार है। और सोमवार से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आ रहा है जिनको ओल्ड पेंशन का इंतजार है। अब अगली बात करते हैं फंसी हुई भर्तियों को लेकर, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट बचा है। आज हम आपको कार्मिक विभाग की तैयारी, कार्मिक विभाग का स्टांस और विजिलेंस ब्यूरो का जो अपना माइंडसेट है सारी भर्तियों की इंक्वायरी को लेकर, उसको लेकर बात करेंगे। पहली बात तो यह कि फंसी भर्तियों को लेकर अब एक नई शर्त लग गई है। फंसी हुई भर्तियों से मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। अभी विजिलेंस ब्यूरो जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों की जो जांच कर रहा है, उन भर्तियों में टोटल 22 पोस्ट कोड जो है वो जांच के दायरे में है। 4 पोस्ट कोड के मामले में 5 FIR हो गई हैं और 18 पोस्ट कोड जो है वो इंक्वायरी के तहत हैं, जिनमें 10 में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और 8 में रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना है। तो ये एक एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का जो विजिलेंस के दायरे, विजिलेंस की जांच का भी दायरा है। अब दूसरी बात करते हैं, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो डिक्लेयर हो गई थी पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जो स्टाफ नर्स की भर्ती है वो रिजल्ट निकला था 28 सितंबर को, पोस्ट कोड 933 का, 84 अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने परीक्षा पास कर ली थी जो नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2, ये जो भर्तियां हैं ये भी हो गई थी, रिजल्ट आया है 22 नवंबर 2022 को, इनकी भी अभी नियुक्तियां नहीं हुई है। एक है फायरमैन जो ये फायर सर्विसेज और होमगार्ड डिपार्टमेंट है, उनका भी रिजल्ट निकल गया है, नियुक्तियां भी नहीं हुई है। लेकिन नियुक्तियां हो क्यों नहीं रही है, ये पहला मामला, मतलब हमारे सामने 3 तरह के केस हो गए। एक जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई है, एक वो जो अभी रिजल्ट नहीं निकला है, और एक वो जिनका एग्जाम हो गया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो ये 3 तरह के मैटर हो गए हैं और 3 तरह में भी 2 में डिफरेंस ये है कि एक में इंक्वायरी चल रही है, दूसरे में कोई इंक्वायरी नहीं है। तो ये सारे मैटर इसमें मिक्स हैं। अब कार्मिक विभाग क्या कर रहा है, देखिए फायरमैन जो फायर डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने यहां फायरमैन की नियुक्ति को लेकर परमिशन मांगी सरकार से। सरकार ने कहा कि आप विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस लीजिए। विजिलेंस ब्यूरो में क्लियरेंस में गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो जो दूसरी बात है वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की फाइल आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से कार्मिक विभाग में और कार्मिक विभाग ने इनको कहा कि आप इस मामले में पहले विजिलेंस से क्लियरेंस लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली अगला स्टेप उठाइए। अभी इन्होंने विजिलेंस के लिए फाइल नहीं भेजी है, लेकिन मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जितनी भी भर्तियां हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो भंग कर दिया गया है वहां से या तो रिजल्ट निकल चुका है या भी निकलना है या फिर कोई और इशू है। सारी भर्तियों के मामले में, चाहे मामला नियुक्ति का हो चाहे मामला रिजल्ट का हो, दोनों ही मामलों में विभागों को यह कहा जा रहा है कि वो पहले विजिलेंस से क्लियरेंस लें। दरअसल ये अभी जो एग्जैक्टली फाइलें जा रही हैं वो नियुक्तियों के मामले में जा रही हैं और विजिलेंस ने जैसे फायरमैन का रिजेक्ट किया वो इसलिए किया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, क्योंकि रिजल्ट निकल गया है और उसमें पेपर लीक का एक सिग्नल मिला है तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हेल्थ वाली फाइल जब जाएगी तो हेल्थ वाली फाइल को परमिशन मिल जाएगी स्टाफ नर्स को भी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन को भी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट विजिलेंस से कब परमिशन ये मांगता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात अगर हम करें तो ये दूसरी बात ये है कि क्या भर्तियां रद्द होंगी। अभी अगर हम विजिलेंस के माइंडसेट के हिसाब से देखें तो विजिलेंस ये कह रहा है कि वो
नहीं चाहते कि ना उनकी इच्छा है ना वो चाहते हैं ना वो सिफारिश करेंगे सरकार से कि जो पेपर लीक में भर्तियां हैं उनको रद्द किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहला जो सबसे प्राइम कंसर्न है वो ये है कि ये विजिलेंस का मैंडेट ही नहीं है कि वो सरकार को रद्द करने की सिफारिश अभी करे, क्योंकि रैकेट जैसी चीज अभी नहीं मिली है, पेपर लीक मास लेवल का नहीं है। उमा आजाद का जो अपना नेटवर्क था वो फैमिली स्पेसिफिक था, दो बेटे और खुद और एक उसमें दलाल था, उससे ज्यादा मास लेवल का नेटवर्क नहीं है जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो या फिर कोई और तरह के इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हो या कोई ऐसे दलालों का बीच में कोई रैकेट हो, ऐसा कोई नहीं निकला है अभी। तो विजिलेंस तो नहीं चाहता कि मास लेवल पर कोई चीजें, क्योंकि है नहीं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई जो ब्लैंकेट जो भर्ती को रद्द कर दिया जाए, परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। दूसरी एक और बात समझने की है कि जिन भर्तियों में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अपॉइंटमेंट हो गई है या फिर अपॉइंटमेंट नहीं भी हुई है, उन मामलों में रद्द करने की तरफ को सरकार नहीं जाएगी। ये मैं अनऑफिशियली आपको हिंट दे रहा हूं, फाइनली अभी डिसीजन होना है। मेन चीज ये है, खासकर नियुक्तियों की बात करूं वो तो क्लियरेंस अभी लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मेन चीज है रिजल्ट डिक्लेयर करने को लेकर, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने भी पब्लिक सर्विस कमीशन को जो अभी क्लास 3 की भर्तियां कर रहा है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर, उनको कैटेगोरिकली अभी ये नहीं कहा है कि आप पेपर लीक में फंसे मामलों में या फिर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के उन रिकॉर्ड को लें जिनमें परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पहले करनी है।